नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दी है और जो रिटर्न एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। डेस्ट की एग्ज़ाम होती है, मतलब एक टाइपिंग टेस्ट होती है। और आपको पता है कि टाइपिंग टेस्ट MTS के पोस्ट के लिए नहीं होती है, लेकिन MTS के अलावा जो पोस्ट है, पोस्टमैन, मेल गार्ड, PAS है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। तो ऐसे GDS जिन्होंने MTS की एग्ज़ाम पास की है उनको टाइपिंग नहीं देना होगा, लेकिन ऐसे GDS और MTS जिन्होंने पोस्टमैन, मेल गार्ड, PASA की एग्ज़ाम पास की है उनको टाइपिंग देना कंपलसरी होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स के मन में टाइपिंग को लेकर कुछ डाउट्स है, डाउट्स के पीछे एक रीज़न है कि ये जो टाइपिंग क्राइटेरिया का लेटर है ये 2 से 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो अभी भी किसी को पता नहीं है कि क्या कितना वर्ड्स पर मिनट होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसका क्या होगा, कितने देर टाइपिंग करना होगा और जो इसका पासिंग मार्क्स है, जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो क्या होगा, वर्ड्स पर मिनट कितना होगा, कितने की डिफ्रेशन का टाइपिंग देना होगा, कितने स्पीड से टाइप करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ग्रामीण डाक सेवक फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड। देखिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ये क्राइटेरिया है जो हम अभी देखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसका होगा 25, आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 25। और स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, 15 मिनट का एग्जाम होगा ये, 25 मार्क्स का होगा, 15 मिनट का होगा। और सबसे मेन जो इसमें देख सकते हैं आप, डाटा एंट्री ऑफ 600 की डिप्रेशन। देखिए दोस्तों, 600 की डिप्रेशन 15 मिनट में है, तो एक मिनट में आप डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 की डिप्रेशन पर मिनट, मतलब 5 की डिप्रेशन को आप एक वर्ड मानेंगे तो आपको 8 वर्ड्स पर मिनट इसमें आएगा। तो 8 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से अगर आप टाइप करेंगे बिना किसी एरर के तो आप इसको क्वालिफाई आराम से इजीली कर सकते हैं। आराम से अगर टाइप करेंगे तो भी 8 वर्ड्स पर मिनट कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसमें कुछ एरर्स आ भी जाएंगे तो भी जो पासिंग मार्क्स है आप देख सकते हैं, जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 75% है, और SC ST और डिसेबल हैं उनके लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है। आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। अब देखते हैं दोस्तों PASA में क्या क्राइटेरिया है। देखिए, टू द पोस्ट ऑफ PA, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 25 इसका भी होगा, स्किल टेस्ट ऑफ डेटा एंट्री फॉर द 15 मिनट्स ऑन कंप्यूटर 15 मिनट का इसका भी होगा, 25 मार्क्स इसका भी होगा, लेकिन डाटा एंट्री ऑफ 1000 की डिप्रेशन होगा इसमें। देखिए दोस्तों, तो 12 वर्ड्स पर मिनट आपको देना होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ 12 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसमें पासिंग मार्क्स आप देख सकते हैं, जनरल OBC EWS के लिए 75% और SC ST PW के लिए, PWD के लिए 60%। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है पासिंग मार्क्स में, लेकिन टाइपिंग स्पीड में थोड़ा सा चेंज है। आप पोस्टमैन और मेल गार्ड का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 8 वर्ड्स पर मिनट होगा, और अगर आप PASA का एग्जाम दे रहे हैं तो 12 से 13 वर्ड्स पर मिनट आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर इतनी स्पीड आपकी रही तो इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो नॉर्मली स्पीड 15 से 16 वर्ड्स पर मिनट आ ही जाती है, और 12 से 13 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए तो और भी कम है, 8 वर्ड्स पर मिनट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।